साथियों, मैं गौरव श्रीवास्तव आज आपके सामने लाया हूँ अपने परम पूज्य ठाकुर राम सिंह जी थानेदार साहब की जीवन यात्रा पर आधारित कोयले की खदान में हीरा मिला सीरीज का 5वां अध्याय, गुरु के दर का गुलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गुरु संकेत ही गुरुवाद। एक आज का आधुनिक जहां लोग सिर्फ बुद्धि से कार्य करते हैं, दिल तो बेचारा हिलोरे मार कर रह जाता है, और आध्यात्म में तो उन्नति तो सिर्फ दिल की सुनने वालों की होती, बुद्धि वाले तो बुद्धि चलाते रह जाते हैं और दिल से काम लेने वाले गुरु और परमात्मा के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। जो लोग गुरु वाक्य को ही ब्रह्म वाक्य समझते हैं, वह निष्ठावान कर्तव्यपरायण शिष्य थानेदार श्री ठाकुर राम सिंह जी कहलाते हैं। परम पूज्य हर नारायण सक्सेना जी लिखते हैं, ठाकुर भाई साहब को सिगरेट पीने की आदत थी और बहुत ज्यादा पीते थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, पर सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे थे। फतेहगढ़ भंडारे पर जाना हुआ सभी गुरुदेव श्रीमान लालाजी साहब के दर्शन के लिए घर के बाहर बैठे थे। वहीं कोने में पूज्य ठाकुर भाई साहब बैठे थे। गुरुदेव जैसे ही बाहर आए, दरवाजे पर ही पैर छूने के लिए लाइन लग गई। इस पर गुरुदेव हंसते हुए बोले, यह सही नियम बन गया पैर छूने का, सब लोग पैर छूने में लग जाते हैं, फिर उसे भी पैर छूने पड़ते हैं जिसकी पैर छूने की इच्छा भी नहीं है। ऐसे काम मत किया करो, किसी के लिए विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक नहीं है। या यह बता देना भी ठीक रहेगा, दादा गुरुजी को पैर छुलवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह भी जो लोग पैर छू पा रहे थे, वह बड़े दादाजी हुजूर महाराज साहब के आदेश की वजह से था। दादा गुरु महाराज जैसी आत्माएं पृथ्वी पर 100 साल बाद कभी कभी जन्म लेती हैं। अब कहानी में आगे चलते हैं। दादाजी ने अपना प्रवचन शुरू करते ही बोला, लोग पैर छूने के लिए तो आतुर रहते हैं, पर ऐब नहीं छोड़ सकते। सोचते हैं गुरुजी के पैर छू लिए तो सब तरह से पवित्र हो गए। इतना सुनते ही परम पूज्य थानेदार साहब के हृदय में एक जोर का झटका लगा और उनको ऐसा लगा जैसे यह बात उनके लिए ही कही गई है। आप फौरन उठे, जे उसे सिगरेट की डिब्बी निकाली और फेंक दी। उस दिन के बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। यही था गुरु का संकेत, जिसे आज्ञा मान लिया आपने। ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमन और चरण वंदन है। ठाकुर प्रभु समर्पण के मूर्तिमान स्वरूप थे। अपने आदर्शों के प्रति समर्पण आपके रोम रोम में रमा था। यह आपकी बहुमूल्य निधि थी। गुरु भगवान के दर्शन के बाद आप पूरी तरह उनके हाथों बिक गए थे। फिर अपना शेष कुछ रहा नहीं, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, जो भी कुछ थे वो उनके आराध्य दादा गुरु महाराज जी थे। उनकी अनवरत उपस्थिति और एकता की अंतरंग अनुभूति रहती थी उनको। वो हर पल वो महसूस करते थे कि मेरे गुरु भगवान मेरे साथ हैं। दादा गुरु जी को गुरु भगवान कहा करते थे और अपने गुरु में उनका अनन्य प्रेम था। आप अक्सर फरमाया करते थे, गुरु भगवान के दर्शनों के बाद मुझे लगने लगा कि अरे तू तो वैसे ही चलता है,
जैसे तेरे गुरु भगवान चलते हैं। तू तो वैसे ही दिखता है जैसे तेरे गुरु भगवान दिखते हैं, वैसे ही बोलता है जैसे तेरे गुरु भगवान बोलते हैं। आप उनकी महिमा का गुणगान करते करते थकते नहीं थे, उनकी कृपा वर्षा का भाव विभोर हो वर्णन करते हुए कह उठते। न जाने कौन से गुण पर वो दयानिधि रीझ गए और इतना कहते कहते आंखों से अश्रु बहने लगते थे, रोने लगते थे, रो जाते थे। शिशुवत प्रेम करते थे वो दादा गुरुजी से। सोना, उठना, जागना, ऐसा कोई पल नहीं था जिस पल उनकी याद न रहती हो। सारे क्रियाकलाप उन्हीं के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होते थे उनके। ऐसे खो गए थे वो दादा गुरुजी में। आपकी उपस्थिति में सदैव तू ही तू की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, अपना कुछ भी नहीं था, अपने होने का कोई भ्रांति भी नहीं रही उनके मन में। और ये सच भी है, अपना कुछ होता कहाँ है। अपने आराध्य में डूबने से यह बहुत गहराने लगता है। अहम, अहंकार, मलिनता, ये सब विसर्जन कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता। ठाकुर साहब इस बात का जीवंत प्रमाण थे। आप सब तरह लुटे मिटे, ना कुछ बने रहते। अक्सर कहा करते थे, राम सिंह तो न जाने कब का मर चुका, अब वह है ही कहां। कितने यत्न से आपने अपने आप को ऐसा निशेष किया कि ढूंढने से भी कहीं उसका पता नहीं चले। अपने गुरु भगवान के दरबार में फतेहगढ़ भंडारे पर पधारते तो आनंद विभोर हो उठते। फूलों के गुलदस्ते, इत्र, फूल मालाएं खरीदते, पहनने के लिए नए नए वस्त्र, तौलिए आदि ले जाते। रास्ते भर गुरु भगवान की याद में डूबे रहते, खाना पीना तक भूल जाते थे। सुध बुध खोए जब फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरते तो भाव विभोर हो मन ही मन उस पावन नगरी को नमन करते और उसे ऐसे निहारते जैसे वैकुंठ धाम में आ गई हूं। बड़े प्रेम से सबको मिलते, अभिवादन करते, स्नान करके समाधि मंदिर को भले प्रकार धोते, मानो अपने गुरु भगवान का अभिषेक कर रहे हूं। फिर अपने पहनने के नए वस्त्रों से उसे पहुंचते, इत्र फुलेल लगाते, गजरे गुलदस्ते से सजाते। साल भर आप इन्हीं कपड़ों को पहनते थे जिन कपड़ों से वो अपने गुरु भगवान की समाधि को पहुंचा करते थे। भंडारे के महोत्सव में सबसे बड़े अदब और आदर से पेश आते थे, गुरु परिजनों को नजराना पेश करते और सबके प्रति पूज्य भाव रखते। भोजन प्रसाद ग्रहण करते समय अहोभाव में डूब जाते थे। फतेहगढ़ का जर्रा जर्रा आपके लिए पवित्र था। सबकी ओर से धनराशि भेंट करते, गंगा स्नान करते और अपने सदगुरु को कोटिस प्रणाम नमन करते हुए बड़ी मस्ती में घर लौट आते थे। आप गुरु भगवान कहते अगाते नहीं थे, थकते नहीं थे, सदा अनुग्रह में डूबे रहते, हाथ जोड़े रहते, मौन संदेश देते रहते। देखो उस प्रभु की अपार अगाध करुणा को। आपका समर्पण भाव देख भक्तगण श्रद्धा से अभिभूत हो जाते, अपने श्री मुख से कहते कि या तो बिल्ली के बच्चे हो जाओ या बंदर के, या तो किसी में अपना आपा विसर्जित कर दो या उसे अपना बना लो। अपना बनाना कठिन है लेकिन किसी के हो रहना आसान है। यह उनके उच्च आदर्श थे। वह अपने आप को
गुरु के दर का गुलाम कहा करते थे। उस बारे में एक कहानी याद आती है, वो सुनाते हैं आपको। बात सन 1940 की है। पूज्य नारायण सक्सेना जी और राम सिंह जी दोनों साथ साथ जयपुर से फतेहगढ़ भंडारे में जा रहे थे। ट्रेन के लेट होने की वजह से अर्धरात्रि के बाद फतेहगढ़ पहुंच पाए। फतेहगढ़ पहुंचकर घर पर सूचना देकर समाधि स्थल पर ठहर गए। ठाकुर साहब इतने धुन के पक्के थे, जो कि हमने पहले ही पीछे बताया कि वो जब ट्रेन में होते थे तो गुरु की अपने गुरु भगवान की याद में ऐसे खो जाते थे, शुद्ध बुद्ध गवा देते थे। कुछ खाना पीना कुछ होश ही नहीं रहता था, तो रास्ते में वो कभी कुछ खाया भी नहीं करते थे, पूरी तरह से व्रत धारण कर लेते थे, व्रत में हो जाते थे। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर थोड़ी सी मिठाई ली थी और समाधि पर पहुंचकर प्रसाद अर्पण करके कुछ मीठा खाया करते थे। नारायण सक्सेना जी लिखते हैं, पूज्य भाई साहब का नियम था, फतेहगढ़ जाने के क्रम में रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे, चाहे जितना भी लेट हो जाए। इन दिनों पूज्य महात्मा श्री जगमोहन नारायण जी, जो कि अपने दादा गुरु जी के लाडले एकमात्र पुत्र थे, उनके द्वारा समाधि पर ठहरने का प्रबंध किया जाता था। एक दिन प्रातः हम दोनों नारायण सक्सेना जी कह रहे हैं, एक दिन प्रातः हम दोनों भी श्रीमान लालाजी महाराज की बैठक में जाकर बैठ गए। इतने में ही अखिलेश जी, जो उस समय 2 वर्ष की आयु के होंगे, खेलते खेलते वहां पहुंच गए। भाई साहब ने मुझसे पूछा, ये बालक कौन है? मैंने बताया, ये हमारे गुरुदेव के पौत्र हैं। पूज्य भाई साहब ने अपने थैले से 1 रुपया निकाला और बेटे अखिलेश को दिया। उस समय किंग जॉर्ज के चित्र वाले चांदी के सिक्के चलते थे। जैसे कि संस्कारों में था, अखिलेश जी के उन्होंने उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया। पूज्य भाई साहब ठाकुर राम सिंह जी पर इसका विपरीत असर हुआ और वह मायूस होने लगे। तब मैंने बेटे अखिलेश से कहा, ले लो बेटे, ये ताऊ जी हैं आपके। परम पूज्य नारायण सक्सेना जी आगे लिखते हैं, मेरे कहने पर उन्होंने रुपया ले लिया और अंदर बड़ी माता जी को बताया। तुरंत ही मैंने सारी बात बताई, तब वह रुपया स्वीकार किया गया। पूज्य भाई साहब थानेदार साहब का गुरु भगवान के परिवार के प्रति आदर भाव पुष्ट करता है। अगले वर्ष जब फिर से बसंत पंचमी पर भंडारा हुआ, तब परम पूज्य थानेदार साहब फतेहगढ़ श्रीमान दादा गुरु जी के घर पहुंचे। कमरे में जाकर बैठे, वही अखिलेश भाई साहब आए और थानेदार साहब से उनके बारे में जानकारी करने लगे। तब पूज्य ठाकुर साहब ने अपने स्वाभाविक अंदाज में, जैसा कि उनका स्वभाव था, कहा, इस दर का गुलाम हूं। पूज्य अखिलेश भैया अंदर जाकर कहा, बुआ जी बाहर गुलाम जी आए हैं। यह सुनकर सुशीला बुआ जी, जो कि भंडारे के समय सभी सत्संगों की सेवा में रहा करती थी, दौड़ी आई और देखा कि पूज्य थानेदार साहब हैं, तो प्रणाम किया। और फिर पूज्य अखिलेश भैया, जो कि उस समय काफी छोटे थे, तो उनकी मधुर आवाज में कही गई गुलाम वाली बात पर खूब चर्चा और हंसी ठहाका हुआ। यहाँ पर यह कह देना और बता देना आवश्यक है कि परम पूज्य गुरुदेव ठाकुर राम सिंह जी ने
बातों में ही नहीं अपने गुरुदेव को आदर और सम्मान दिया, बल्कि करके भी दिखाया। पूज्य थानेदार साहब जैसे शिष्य पाकर हर एक गुरु का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, ऐसे ही हम सबको भी होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य और आदर्श होना चाहिए। ठाकुर राम सिंह जी शिष्यों के लिए एक आदर्श जीवन है। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था गौरव श्रीवास्तव और आप सुन रहे थे रामाश्रम भजन माला।